पौड़ी में बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग की टीम सक्रिय नजर आ रही है। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में बंदरों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा से टीम को बुलाया गया। ये टीम जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में जाकर बंदर को पकड़ने का काम कर रही है, जिससे ग्रामीण और मैदानी इलाकों में बंदरों की समस्या से निजात दिलाई जा रही है। DFO गढ़वाल अनिरुद्ध स्वप्निल ने कहा कि पौड़ी में 3 माह के भीतर 2000 बंदरों को पकड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि बुलाई गई टीम द्वारा अब तक जनपद के पहाड़ी मैदानी इलाकों से 1200 बंदरों को पकड़ा जा चुका है। साथ ही पकड़े गए बंदरों को चिड़ियापुर में बंध्याकरण के लिए ले जाया गया है और उन्होंने कहा कि अन्य बचे हुए 800 बंदरों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा, जिससे पहाड़ी और मैदानी इलाकों में परेशानी का सबक बन रहे बंदरों से निजात दिलाई जा सकेगी। पौड़ी से मुकेश बच्छेती की रिपोर्ट। ह्यूमन वाइल्डलाइफ कॉन्फ्लिक्ट योजना के तहत जनपद में 2000 बंदर को पकड़ने का टारगेट था 3 महीनों में, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। तो आज 20 अगस्त तक हम लोगों ने जनपद में लगभग 1200 बंदरों को पकड़कर चिड़ियापुर में बंध्याकरण हेतु भेज दिया गया है। बाकी जो 800 बंदर है उनको भी पकड़ने की कार्रवाई हमारे द्वारा गतिमान है। जनपद के अन्य कई क्षेत्रों में जैसे पौड़ी, थलीसैन, पोखड़ा और भी अन्य जगह पर हम लोगों ने टीम को तैनात किया गया था, जिनके द्वारा बंदरों को पकड़ा गया है और ये कार्रवाई हमारी अभी गतिमान।